और महल का ख्वाब देखता है। ये पता है सूरज और चंद्रमा की कभी बराबरी हुई है? राहुल नादान है, लड़का ही कर गया और तू रिश्ता नहीं के चला आया। राहुल का प्यार, राहुल का प्यार तेरी बहन के पेट में पला है कि जाके हाथ जोड़ता हूँ। प्यार तेरी बहन के पेट में पल रहा है, क्या? हाँ मैं। अरे कौन सा की? ये ले, इसमें 5,000 रुपए है। ये पैसे में क्या कर रहा? मैं बताता हूँ, और किसी अच्छे नर्स को भुला करके अपना बहन का सभी मतलब करेगा। लेकिन याद रखना, याद रखना, अगर 24 घंटे के अंदर कहीं अगर रिश्ता नहीं मंजूर किया तो सोच लो मैं क्या तो क्या कर सकता हूं। तुम्हारे बेटे बिगड़ गए था, अभी मेरे हवेली पर नालायक कहीं का। जी क्या बात है बेटा? अभी अभी कोरोना आता जो उठे आज मैं हवेली में बोल रहा था। बेटा विक्रम सिंह संजय आया था और अपनी बहन का रिश्ता लेकर के आया था। ऐसा रिश्ता लेकर, और उसने ये भी कहा है कि अगर तुमने ये रिश्ता मंजूर नहीं किया तो तुम्हारे दोनों बेटों को गोली से मार दूंगा और हवेली को चला के रख दूंगा। संजया, तूने मुझे मानने के लिए 24 घंटे की मोहलत दी है। अगर 12 घंटे के अंदर मैंने तेरी जिंदगी नक्शे पत्थर न बना दिया तो मेरा अभिनाम ठाकुर विक्रम सिंह नहीं आए। मेरे बहादुर, मेरे पिताजी की एक नाल लाइसेंस से बंदूक उठा और जाकर तिजोरी से 50,000 रुपये निकाल ले और छुपा दे चले संजय के मकान में। अब पिताजी तुम इस वक्त मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलो, क्योंकि सुबह का सूरज देखना संजय को नसीब नहीं होगा। अरे चौकीदार, अरे हवलदार कहाँ बन गया? जी सर, कुछ मिल नहीं रहा है, मिल रहा है ना। हम लोग का सारा खर्चा चल रहा है। कोई खर्चा नहीं चल रहा यार। साहेब क्या है? भगवान से दुआ करूंगी कि साहेब साहेबों के साले कहीं अच्छी जंग हो जाए। हाँ मैं ये सोच रहा हूँ। क्यों कहा भैया? क्या है? फाइल है। फाइल Yeah.
दुकानदार ये क्या कह रहे हैं कि आज की रात इनके घर चोरी हो रही है और चोरी करने वाले का नाम है संजय। क्यों यही नाम बता रहे हैं? ठीक है, कोई बात नहीं है, खबरदार रिपोर्ट लिखी जाए। ये बताओ तुम्हारी रिपोर्ट साथ देने की टाइप करो। ठीक है बेटा विक्रम सिंह, एफ आई आर करा। बड़ा कौन से फौसले वाला? और तुम हो? नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार, अपना नाम बताइए। ठाकुर विक्रम सिंह नाम है मेरा। ठाकुर कुकुरम सिंह? बे हवलदार कुकुरम नहीं, विक्रम सिंह। तो सही नाम बताओ ना। ठाकुर विक्रम सिंह। तुम्हारे बाप का नाम? ठाकुर प्रताप सिंह। ठाकुर प्रताप सिंह। तुम्हारी माँ का नाम? क्या बकवास करता है साहब, उससे माँ का नाम पूछ रहा है साहब। वल्दिया कहाँ लिखी थी? पिता की लगती है। वैसा नहीं लगती है। ओ गलती हो गई मुझसे। और ये बताए ठाकुर विक्रम सिंह, तुम्हारे यहाँ से क्या क्या चोरी हुई? एक नाल लाइसेंस से बंदूक। एक नाल लाइसेंस से बंदूक और 50,000 से नगद। 50,000 रुपया नगद। एक मिनट फेरो, तुम्हारे पास उस बंदूक की लाइसेंस है? तुम्हारे पास लाइसेंस है लेकिन घर पे है। घर पे क्या जानकी पुराने जान मरा गई इसलिए क्या? अरे यार पढ़ने की माले आए तुम्हें क्या करूँ यार। ठाकुर साहब ये थाना तुम्हारे बाप का घर नहीं है, खोज के खलिया देंगे साले उधर लेटरिंग के सामने। इलेक्शन का पीरियड था जानते हो साहब, इलेक्शन चल रहा है तो जानते हो कि सरकारी बंदूक सब जमा हो जाती है। मैं उसको पन्ना की माँ के पास जमा कर दिया हूँ। साहब कुमार साहब प्रधान, 50,000 नगद रुपये और कुछ? और कुछ नहीं गया साहब। जब और कुछ नहीं गया तो आपने यहाँ महिला चुराने? अरे साहब इतने सामान के अलावा कोई सामान नहीं गया है। कुछ कपड़े लफड़े? और कपड़े लफड़े नहीं गए। नहीं गए, एक बार बताओ। ठीक है ठाकुर साहब, तुम्हारा 4-6 महीने में काम हो जाएगा, टेंशन मत लो। और अगर कुछ अगर देना चाहते हो तो बैठ दीजिएगा, पूरा काम होगा। अरे साहब ये तो मेरी हवेली में चोरी हुई है और दूसरे मुझसे रिश्वत मांग रहे हैं। वैसे मेरे जेब में कुने 40-50 रुपए पड़े होंगे जेब में। 40-50 रुपया? हाँ सर। पुलिस वाले साले इतने गिर गए कि 40 टका पे मराने लगे हैं। ठाकुर साहब ये मत भूलिए थाना है। ठीक है तो 40-50 देंगे तो 40-50 दिन के बाद आपका काम होगा। ऐसा क्या बात है, चोरी आज हुई है 40-50 दिन के बाद? तुम नहीं समझते ठाकुर साहब, अगर वो कुछ नहीं दोगी तो फिर काम तत्काल होगा। समझ गया सर, समझ गया। ये लो 600 रुपये बयाना। बयाना? अरे साहब चार नाश्ते के लिए 600 रुपया। चलो सर भाग्य भूल लंगोटी सही है, 600 रुपया। और साहब 10,000। 10,000? अरे ठाकुर साहब, अरे भैया, अरे हवलदार साहब, साहब 600 रुपया चार नाश्ता के लिए, 10,000 रुपया आपके लिए नगद काम। तब तो कार्रवाई करनी ही पड़ेगी। बिल्कुल करना पड़ेगा। लेकिन साहब एक बात तो मैं आपसे बताना ही भूल गया। बताइए। देखो साहब मैंने अपनी एक नाल लाइसेंस से बंदूक और 50,000 रुपये नगद संजय के बिस्तर के नीचे छुपवा दिया हूँ। और चोरी करने वाले का नाम संजय ही है? हाँ साहब। एक मिनट रुको, चोरी करने वाले का नाम संजय। चोरी कितने बजे हुई? कैसा कितने बजे चोरी हुई? ठीक 11:07 पर। 11:07 में? 1 मिनट, 11:07 में। 60 मिनट से घंटा हो जाता है।
ये साले ठाकुरो यू कह रहे सीधे सीधे बता रहे साले की ठीक 12 बजे हुआ है, तुम कह रहे हो 11 बज के 7 मिनट पे हुआ है, साले 12 बज के साहब आपने तो बोला कितने बजे चोरी हुई, तो ठीक 11 बज के 60 मिनट पे हुई है, मतलब कुल 12 बज गए। तुम्हारे मुंह में बात सुना दिया फिर खाना आए ठीक 12 बजे। ये बताओ हम संजय के घर पे कैसे जाएंगे? साहब उसके घर में संजय रहता है और उसकी माँ रहती है।